कानून जाने की इच्छा होती है? हमको पुलिस के बारे में जानने की, पुलिस के बारे में, पुलिस के क्या जानकारी अभी तक जो जानकारी है कितना पता है, क्या पता है? पागल घर पे लड़ाई हो रही, बहुत ज्यादा मारपीट हो रहा है, 100 नंबर डायल कर तो पुलिस आ जाती है, आती है। मैंने किया था, मेरे घर में चोरी हो गई थी ना, तो मैंने खुद 100 डायल करके पुलिस को बुलाया। आंटी मैंने पुलिस आई हुई थी रात में, कल मैंने क्राइम पेट्रोल देखा था, तो क्राइम रियल बता रहे हंसो मत, इम्पोर्टेंट बात है, क्राइम पेट्रोल देखे थे तो आंटी उसमें एक नई चीज़ मैंने देखा कि यहाँ के एक बच्चे को किस तरह उसको वहाँ अपनी चाची के घर में भेजते हैं और वो लोग नौकरानी बना के रखते हैं, नौकरानी बनाने के बाद उसे कमरे में बंद कर देते हैं तो वो बेचारी मर जाती है। तो वही कह रहे थे, हाँ तो वही कहती है कि उसमें आंटी मुझे ये पता था कि कानून अगर इस तरह के बच्चों को जैसे दुख वगैरह दिया जाता है या उन्हें परेशान किया जाता है तो 1098 पे कॉल करके उसकी हेल्प कर सकते हैं, चिल्ड्रेन नंबर, हाँ चिल्ड्रेन नंबर। तो आंटी ने कहा वाओ इतना अच्छा मिला है, अब हम कहीं भी देखेंगे तो जरूर मिलाएंगे। आंटी याद रखो 1098 आंटी, और आंटी वुमेन के लिए भी तो कुछ है, आंटी आईडी ने मुझे 1098 ये चाइल्ड लाइन का नंबर है जो ये बता रही है, 1098 ये चाइल्ड लाइन का नंबर है, और चाइल्ड लाइन का नंबर है कितना काम। आंटी आंटी आई थी मैं क्लास 7th में थी, आंटी आई थी डॉक्टर मिलने, मैं कह रही थी आंटी कहीं भी मुझे पता चलेगा बस मैं इन्फॉर्म कर दूंगी और उस बच्चे के लिए तो मैं पक्का हेल्प करूंगी। आंटी मुझे एक बात बतानी थी कि मेरे घर के बगल में एक लड़का है, उसकी मम्मी एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी ना तो वो छोड़ के चली गई है, क्योंकि उसके पापा जो है शराब पीते थे, घर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे, अपने बाकी सारे बच्चों को लेके चली गई, केवल उसका एक बेटा छूट गया है। अब वो बेटा घर वर उनका कहीं पे नहीं है, ऐसे ही रहते हैं फुटपाथ पे, अब वो पूरा टाइम मेरे घर के बगल में रहता है, तो मेरी मम्मी कभी कभी खाना वाना दे देती हैं। और एक दिन उसके पापा आए, मेरी मम्मी से झगड़ने लगे कि तुमको पता है कि मेरी बीवी कहाँ गई है, तुमको बता के गई है, तभी तो मेरे बच्चे को खाना देती हो, ये वो, तब से मेरी मम्मी ने खाना भी देना बंद कर दिया। अब वो पूरे टाइम ऐसे सड़क पे कहीं मंदिर पे ऐसे पड़ा रहता है, तो मैं क्या करूँ, चाइल्डलाइन में फोन कर दो कि ऐसे ऐसे बच्चा है, हाँ यहाँ रहता है। मैं जब भी देखती हूँ मुझे इतना, मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ, मतलब फिर मैंने सोचा था कि एक दिन मैं प्रोड्यूसर से बोलूँ। 1098 पे तुम फोन करोगे तो वो फोन ऑपरेटर उठाते हैं और वो बोलते हैं क्या प्रॉब्लम, एड्रेस वगैरह बता दो, पे एड्रेस वगैरह समझा दो, ठीक है, और वो बोलेंगे कि हम आएंगे और हेल्प कर देंगे। ऐसे होता नहीं, जस्ट इन केस तुम जब फोन करती हो तो उसके बाद एक संगीता शर्मा का किसी के पास नंबर है, कभी ले लेना मेरे से, वो नंबर हम तुमको दे देंगे, तुम उनको भी फोन करके बोल देना कि आंटी हमने ऐसे ऐसे 1098 पे एक बच्चे के लिए बताया। आंटी फिर डर लगता है कि उसके पापा जो है शराब वगैरह पीते हैं और कहीं फिर तो उसमें तुम्हारा कोई वो नहीं है, वो ऐसा नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है, थोड़ा सा डर भी लगता है। और मैं कुछ चाइल्ड लाइन वाले आएंगे तो वो इतना कर सकते हैं कि देखेंगे बाप की हालत बहुत ही बुरी है, नहीं पाल सकते हैं, तो वो उसको बता के हो सकता है उसको किसी शेल्टर होम में डाल दे बच्चे, अच्छा है ना, या फिर उसके पिता को समझा के जाएंगे कि बच्चे का केयर करो, या फिर कुछ कुछ वो डायरेक्शन दे दो। ये भी नहीं पता कि वो लोग एग्जैक्टली रहते कहाँ पे, वो मंदिर है ना मेरे घर के सामने, वो वहीं पे ऐसे ही पड़ा रहता है भूखे पेट और नहाता धोता भी नहीं ऐसे ही, और वो नशा वगैरह भी करने लगा है। ओहो तब तो फिर चेन्नई में बोल दो, हो सकता है। और मुझे सबसे बड़ा डर ये लगता है कि मेरे मंदिर के मतलब घर के सामने रहता है और मेरे भाई भी है छोटे छोटे, तो उनसे बात बात होती रहती है, मैं मेरे भाइयों के लिए बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्रिमिनल बन जाएंगे सारे, कि कहीं मेरे भाई भी ऐसे एक बार फोन करके देखो 1098 पे, हो सकता है बच्चे एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, फिर बताना, तो नहीं तो संगीता आंटी को बोले। आंटी मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, आंटी वो संगीता आंटी का नंबर मुझे भी दीजिएगा, दे देंगे मेरे पास, कहीं भी कोई बुरा तो शायद 1098 पे भी अगर बोलोगे ना कि संगीता शर्मा आंटी से हमारी बात हो गई है, उनको बोल दीजिए कि हमने स्टडी हॉल से फ़ोन किया है और ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो भी वो सुनिए, ठीक है, यू जी वर्षा या क्या है वो उठाते हैं फोन, वही लोग ऑपरेटर, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गई चाइल्ड लाइन, ये हेल्प लाइन्स हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को कभी कभी थोड़ा बहुत कानूनी जानकारी चाहिए होती है। किस किस चीज़ों के लिए कानूनी जानकारी चाहिए? अपने हक के लिए, अपने हक के लिए, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की मदद के लिए। होता क्या है, जितने भी कानूनी चीज़ें हैं ना वो तब ज़रूरत होती है आप
के साथ कोई भी हिंसा होती है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको पुलिस के पास जाना पड़ता है कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे हेल्प करो। तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस जो है आपकी सही बात लिख रहा है। पुलिस जब आपकी रिपोर्ट लिखती है, FIR जब लिखती है, तो उसमें रिपोर्ट ऐसे लिखी जाए कि वो कानून की बात आ जाए। ठीक है, जैसे बहुत छोटी सी बात होता है, अगर आपका फ़ोन मोबाइल गिर जाए या आपका मोबाइल चोरी हो जाए, आप थाने जाइए, पुलिस वाले क्या बोलेंगे? अगर आपने कहा चोरी हो गया तो इसका मतलब आप किसी और को भी एक्यूज बना रहे हो, तो पुलिस वालों का काम बढ़ जाता है, उनको वो चोर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपना काम बचाने के लिए और क्राइम कम दिखाने के लिए बोलते हैं कि आप ये लिख के दीजिए कि आपका फ़ोन कहीं गिर गया, मतलब सामान भी आपका, गुनहगार भी आप, रिपोर्ट लिखी हुई है, खुद की जिम्मेदारी। फोन मिल गया तो पुलिस दे जाएगी, नहीं तो वो ढूंढने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जब आप इस तरह का रिपोर्ट लिखाते हो कि फोन गिर गया है, तो उसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती और कोई कानून नहीं है कि वो आपको आपकी आपके अधिकार दिला दे। ठीक है, चोरी अगर लिखवाई तो मतलब आपका अधिकार है कि चोर पकड़ा जाए और आपका सामान वापस कराया जाए। तो इसलिए आपको जब रिपोर्ट लिखी जाए तो ये ध्यान देना पड़ता है कि पुलिस जो है सही चीज लिख रही है। ठीक है, तो कानून इसीलिए बने हैं कि आपने अगर सही धारा के अंतर्गत रिपोर्ट लिखाई है तो आपके लिए कानूनी कार्यवाही होगी। ठीक, हाँ, और अब बताओ किस किस चीज के अंतर्गत आपको लगता है कि आपको कानूनी हेल्प चाहिए होगी? फर्स्ट, लड़कियों को छेड़ते हैं तो ईव सबसे ज्यादा जरूरी, ईव टीजिंग है ना, और ईव टीजिंग के अगर हम लोग देखें तो शायद मुश्किल से 5% केस भी नहीं दर्ज होते हैं। जो सबसे ज्यादा जाती नहीं है बोलने गई तो पुलिस वाले लिखते नहीं है, समझा बजा के आप तो बहुत बहुत ही बुरी तरह टीजिंग हुई हो तब लिख लेते हैं। वो क्या रिपोर्ट लिखाने जाओ कि भैया मेरा FIR दर्ज करिए कि उसने मुझे ऐसे ऐसे वो कहा, कभी लिखते नहीं है। वो कहें ठीक है आप मैडम चिंता मत करिए, मैं उसको समझा दूंगा ना, दोबारा वैसा नहीं होगा, बस हो गया, हो गया, कुछ नहीं करते। अरे पूरी जल्दी सुनती भी नहीं है, सुनती नहीं है, इतने क्राइम होते कि उनको लगता है कहाँ तक लिखते रहे, कहाँ तक काम करेंगे, है ना, तो उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है। मेरे यहाँ जब चोरी हुई थी तो हम लोग गए थे FIR लिखाने सब, और दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन मतलब पुलिस आई और उसके चौथे दिन हमारा पूरा केस ही उन्होंने पलट दिया, और जबकि 20,000 रुपए तक की चोरी हो गई थी, मतलब उन्हें जो सिंपल लगा उन्होंने वो किया, पूरा केस पलट दिया और कुछ भी नहीं हुआ। और आजकल बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही है हमारे मोहल्ले में, पता नहीं क्यों, हम लोग डरे रहते हैं। तो सब लोग मिलके कुछ करो, अभी जल्दी में हुई आंटी, 2-3 दिन हुआ, सब लोग मिलके, तब तो वो कोई तो सब लोग मिलके या तो जाओ अगर सही में सबको, जब सब लोग बोलेंगे कि सबसे पहले मतलब किसी भी कानून का अगर आपको फायदा उठाना है तो बहुत लोग एक साथ आवाज उठाएंगे। जैसे बोल रही ईव टीजिंग धारा 374, 75 और 76 374, 375, 376 है, जो ईव टीजिंग या लड़कियों को परेशान करना बलात्कार से सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो अब इसके अंतर्गत अगर आपका केस दर्ज किया पुलिस ने तो वो पुलिस को फिर एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, अब आप जब जाते हैं ना रिपोर्ट लिखाने तो होता क्या है, वो बोलते हैं अच्छा 374 को भी बहुत कमज़ोर सा बना देते हैं। ठीक है, मैं जा रही थी, वो लड़का वहाँ पे खड़ा होके बोल रहा था, अब वो लड़का आप ही को बोल रहा था कि इसने कहा, तो पुलिस इंक्वायरी करेगी और दिखा देगी किसी और को बोल रही थी आपने मिसरीड कर दिया, इसलिए केस रफा रफा खत्म, उनकी जिम्मेदारी खत्म, आपको भी ऐसे लपेट देंगे कि आपको समझ में नहीं आया हुआ जैसे आप बता रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा, FIR का एक फॉर्मेट होता है, पीला एक कागज होता है, उसमें वो कार्बन कॉपी से बनाते हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो बोला वही लिखा है, और उसमें ब्रैकेट में उन्होंने धाराएं मेंशन, ठीक है,
अगर वो धारा मेंशन है और वो FIR की कॉपी फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट होता है ना, तो वो बेस बनता है आपके किसी भी केस का। उसको फिर आप कोर्ट, वही कागज मेन होता है, वही कागज आगे जाएगा, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ता है कि वो धारा सही लगी। इसीलिए कानूनी जानकारी इतनी होनी चाहिए कि जब पुलिस रिपोर्ट लिख रही है तो आपको पता हो कि अच्छा ये नंबर लिखा हुआ है। अब जैसे डाउरी की दहेज मांगा, ठीक है, माँ बाप ने खुशी से मेरे विवाह में इतना सामान दिया। अब हमने पुलिस को कहा कि मेरे माँ बाप ने दहेज दिया, पुलिस ने लिख दिया माँ बाप ने खुशी से दिया, उन्होंने खुद ही खुशी से। तो दहेज का कहाँ से लगाओगे धारा? धारा लगा ही नहीं सकते। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने बोला और इन्होंने ब्रैकेट में 506 3/4 1 या 5 भी लगाया, तो वो सारे नंबर्स कोडेड होने चाहिए, ठीक है। वो नंबर का मतलब है कि जो आपने बोला उसी के बारे में कानून से मैच कर। इसीलिए हर कानून का एक नंबर होता है, सुना है ना, पिक्चरों में दिखाते हैं दफा 302, तो दफा 302 मतलब मर्डर में इसको भी सजाए मौत है ना। तो ब्रैकेट में उसने ऐसा काम किया है, ऐसे किसी को मारा है कि ये भी 302 के काम लायक है, पुलिस ने 302 लगाया, ठीक 304 लगाया, ठीक। लेकिन अगर उसमें 301 कर दिया तो नहीं ठीक, तो उसका मतलब है कि वो मर्डर कैसे हो गया, वो अपने आप को बचाने जा रहा था और हो गया, नंबरों का हेर फेर हो गया, है ना। तो इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी अपने आप में रखनी चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे आपने ये नाटक दिखाया था भेदभाव का, भेदभाव होता है, ठीक। अब भेदभाव इतना हो रहा है कि उस लड़की को आपने मारा पीटा, पढ़ने नहीं दे रहे हो, उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हो, जा रही है तो आप उस पे लांछन लगा रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, तो केवल शारीरिक यात्रा नहीं हो रही ना, केवल शरीर से नहीं दुखी हो रही कि दिन भर काम कर रही है मार खा रही है, दिमागी रूप से भी तो परेशान हो रही है। तो दिमागी रूप से उसमें पूरा डोमेस्टिक वायलेंस का एक बिल बना हुआ है, घरेलू हिंसा, उसमें ये सारी चीज़ें आती है। और उसमें केवल ये नहीं कि केवल शादीशुदा घरेलू हिंसा झेले, लड़की अगर अनमैरिड लड़की भी घर में है, माँ बाप उसे ऐसे परेशान कर रहे हैं, वो भी उसके हेल्पलेस है। तो मतलब आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि क्या, सबसे पहले तो ये रियलाइज करो कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। अब सड़क पे आपको लड़का ऐसे मारता हुआ चले जाए आपका तो लगता कोई भी धारा नहीं लगेगी, वो एक बार दूसरे और आपके दो चार हाथ लगा देंगे, है ना। सबसे पहले आप देखो तो आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, आपको क्या वो चीज़ गलत लग रही है ना। तो सबसे पहले एनालाइज करना सीखो कि मतलब हाँ ये चीज़ तो गलत हुई, क्या सही है, क्या इसके साथ मेरे को कोई हेल्प दिला सकता है। इसीलिए वकील बने, वकील आपको बताता है कि हाँ इसमें इसमें धाराएं हैं, ऐसे ऐसे आप मदद ले सकते हैं। कई बार होता है ना, आप समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, तो आप अपनी प्रॉब्लम को वैसे बता नहीं सकते। अब जैसे पूरे प्ले में वो चुपचाप काम कर रही है लड़की, सब काम कर रही है, भाई बैठा आराम कर रहा है, लेकिन पढ़ने को नहीं दिया जा रहा, लेकिन उसने एक बार भी रियलाइज नहीं किया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, है ना। तो तब तो उसे समझ में नहीं आया, तो पूरा पूरा प्ले आपने ऐसे दिखाया कि उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। आप सबसे अच्छी चीज आपको लगती है पढ़ने को, और आपको पढ़ाई आपसे छीन ली जाए, तो आपके साथ हिंसा हुई ना, तो मतलब सबसे पहले ये समझना कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। घरेलू हिंसा हो गया, छेड़खानी हो गई, छेड़खानी बद से बदतर, जैसे दिल्ली वाला केस हो गया 16 दिसंबर, बुरी मतलब बहुत ही बुरा बलात्कार, तो उसमें वो 376 मर्डर हो गया, उस लड़की का डेथ भी हो गई, तो उसमें इसीलिए दफा 302 भी लगाया, ठीक है। प्लस उसमें और भी धाराएं लगा दी उन्होंने, छेड़ा भी था उसको, रेप भी किया, उसे मार भी डाला है ना, प्लस मतलब उसको बहुत बुरी तरह उसको घाव, तो उसमें बहुत सारी धाराएं लग गई, जितने जितने थे जो ना, हर प्रकार की, साथ में जो लड़का था उसको भी उन्होंने मारा, तो उस दोनों विक्टिम्स की धाराएं मिलके उस वो स्ट्रॉन्ग केस बना था।
और आंटी उसी के अकॉर्डिंग मतलब जैसे कि जितनी धाराएं थी उसी के अकॉर्डिंग जितनी सजाएं वो टोटली काउंट करके उन्हें दिया जाता है ना, उन्हें क्या सजा है ना, वो फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि इन्होंने ये काम किया है तो इनकी इतने साल की सजा है या इनको सजा मौत की मिलेगी या 10 साल बाद छूट जाएंगे या पूरी लाइफ टर्म मिलेगा, वो फिर कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन धारा के अंतर्गत लिखा रहता है कि अगर आप ये करें तो इतने 302 में बंद हो रहे हो तो इतनी सजा आपको पाना जायज है, इतनी तो आपको मिलेगी। आंटी जैसे कल हम लोग देखे थे यही क्राइम पेट्रोल, तो उसमें जब लड़की को मार देते तो उसके चाचा चाचा उसे केवल 5 साल की सजा मिलती है बस। जैसे दहेज में लड़कियों को मार देते हैं तो उसमें केवल 7 साल की सजा है। और आंटी वो तो बेचारे मतलब है ना, दहेज में दहेज ऐसी चीज है कि प्रूव करते रहो कि हमने मांगने पे दिया अपने आप नहीं दिया, कई बार उसमें डाउटफुल केसेस डाउटफुल चीज़ें बन जाती हैं। यूजली लोग दहेज एक ने दहेज का फ़ायदा उठा के गलत केस किया, 100 लड़कियाँ और परेशान हो जाती हैं, सबके केस दर गलत माने जाते हैं। तो मतलब कानून इसलिए बनाए गए हैं कि अगर आपको लगता है, बस इसीलिए थोड़ा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, आप पहचानो तो कि मेरे साथ गलत हो रहा है और उसके लिए प्रूफ इकट्ठा करें। पता आंटी जब उसमें बताते हैं कि यही मैं ये सब देखती हूँ ना तो मैं देखती रहती कैसे क्या होता है, तो उस लड़की को छेड़ा जाता है और वो सब अपने परिवार को पुलिस को कई बार वो रिपोर्ट करती है कि ये मुझे इतना परेशान कर रहा है वो, लेकिन छोड़ देता है। तो एक दिन क्या करता है मंदिर में उससे शादी कर लेता है ज़बरदस्ती, तो भी वो शादी के बाद भी वो बैठती नहीं है सपोल से, कहती मैं सजा तो दिला के रहूँगी। जब देखते कोई जब मदद नहीं कर रहा है तो आंटी वो अपने पर्स में एक छोटा सा कैमरा फिट कर लेती हैं जिससे उसके अपने आप जाती है उसके घर के लोग में वापस आ गए, तो वो बदतमीजी वगैरह करता है उसको मारता पीटता सब कैमरा में कैद हो रहा है। फिर बाद में जब पुलिस को दिखाते तब जाके पुलिस मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, तब जाकर के उसको सजा देता है। वरना लड़कियों को कहता है कि क्या प्रूफ है कि सच में वो तुम्हें छेड़ रहा है या तुम कहीं गवाह नहीं कर रहे हो, गवाह नहीं कर रहा हो ऐसा बोलते हैं आंटी। गवाह की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप घर में जैसे मारपीट की ठीक है और मारपीट हस्बैंड नहीं की तो हस्बैंड तो जाके बोलेगा नहीं कि मैंने मारा है ना। तो आप अगर चोट लगी हुई है, चोट की डॉक्टरी होती है गवर्नमेंट पर हॉस्पिटल में, सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक जितने भी आउटडोर पेशेंट में अगर आपने चोट लगी है आप गए डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आपको सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि हाँ बेलन से पड़ी या चाकू से मार दिया, डॉक्टर पूरा रिपोर्ट लिख देता है। अगर वो रिपोर्ट है तो आप उसके वो पुलिस के पास लेके जाएंगे तो पुलिस भी FIR दर्ज कर देती है। आंटी वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी लिया जाता है उसका, फिंगरप्रिंट्स वगैरह क्राइम जहाँ होता है ना, ये सारा कई बार होता है ना कि औरतें पिटती हैं ठीक है, कई बार आता है केस हम लोग के पास हम देखते हैं सालों से पिट रही हैं ठीक है, अब कल ही रात को मारा तो आज आ गई जैसे, तो हम लोग कहते हैं चोट इतना खाई हो तो सबसे पहले जाओ पुलिस FIR लिख नहीं रही है, पुलिस FIR लिखे परेशान करती है। तो जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ से आपको अपनी चोट की जांच करा के फर्स्ट एड करवाओ और वो सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें शायद 250 रुपये पड़ते हैं ठीक है। दो तरह से FIR की मेडिकल होती है, एक तो अगर बहुत चोट लगी है और पुलिस ने देख लिया, पुलिस कहेगी FIR फिर मेडिकल करा लेती है, तो पुलिस अपना प्रूफ बना लेती है। आपको लगता है पुलिस हमारी बात नहीं मानेगी तो आप पहले खुद मेडिकल करा के पुलिस फिर पुलिस के पास जाइए, तो पुलिस मानेगी आपका FIR लिखेगी। इस दूसरे वाले में पेमेंट मांगते वो हॉस्पिटल वाले थोड़ा पैसा लेते हैं, 250 रुपये पड़ना चाहिए उतना ही पड़ता है शायद है ना। तो आप जाते हो तो आपकी डॉक्टरी के साथ FIR दर्ज हो जाए। और कौन से कानून के बारे में जानकारी चाहते हो? कानून तो बहुत है, अनगिनत कानून है, हर चीज़ के लिए कानून है, छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए। कोई तुम लोग जिसके बारे में खुद जानकारी लेना चाहते हो वो बताओ, वैसे भी कभी लिस्ट बना लेना, आज तो हम लोग इस रिकॉर्डिंग के लिए कर रहे हैं लेकिन कभी तुम लोग की और जानकारी की इच्छाएँ हो तो बता देना तो बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और बताओ, छेड़खानी वगैरह हो गया, मारपीट हो गया, और आपकी जैसे सास ससुर अपने बहुओं को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो घरेलू हिंसा में आएगा ना। घरेलू हिंसा में बेटा बहू सास पूरी फैमिली
बेटी किसी भी रूप में कोई भी लड़की घर में परेशान हुई वो शिकायत कर सकती है और उसे कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत आसान होता है। आप अगर आप विक्टिम हो, आपको मार पड़ रही है, आप खुद बाहर नहीं निकल के जा सकते, आप शीला को बोल दो कि मेरी रिपोर्ट लिखवा दो, तो शीला भी आपकी रिपोर्ट लिखवा दे सकती है कि ऐसे ऐसे जमुना ने कहा है, जमुना की हेल्प होनी चाहिए, तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी, है ना। मतलब घरेलू हिंसा वाले बिल में ये फायदा है, आपको निकलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपके घरेलू हिंसा में तो ऐसा होता ही है कि तो मारेंगे पीटेंगे तो आप घर से निकलने नहीं देंगे, बंद कर देते हैं, है ना। तो जब आप निकल ही नहीं पा रहे तो आप कैसे मदद लोगे, तो आप किसी को बता सकते हो कि मेरे को हेल्प चाहिए और आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाती है, और उसमें सीधा डीएम ऑफिस से काम होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझते हो, उनके ऑफिस से काम होता है, तो कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ हो जाए। अगर उसमें पाया जाता है कि आपके साथ सही में हिंसा हो रही है तो फिर पुलिस को इन्वॉल्व करके उसमें फिर उसमें सजा। बिल बहुत अच्छा बना है लेकिन वही है सिस्टम में काम होने वाली बात है कि ये काम किस तरह हो रहा है। लेकिन ये है अगर खुद तुम कभी विक्टिम हो, तुम खुद हिंसा झेल रहे हो, तो जब तक खुद आगे नहीं आओगे कोई हेल्प करना बहुत मुश्किल होता है, पुलिस भी नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो अपनी आवाज़ खुद ही उठाने की कोशिश करो, सपोर्ट मिलता है, इसीलिए जो हम लोग का वीरांगना वाला ग्रुप था इसलिए हम लोग ने सोचा था कि आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे, बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाता है, प्लस आंटी कम हो रहा है ये सारी चीज़ें कम भी हो जाएंगे, कम होएंगी, लेकिन आप लोग उसमें इनिशिएटिव ही नहीं लेते, क्यों बोली कुछ नहीं, ग्रुप बना हुआ है लेकिन काम कुछ नहीं करता कोई। और कोई धारा जिसके बारे में जानना चाहते हो बताओ तो फिर बताएं। उस दिन हम लोग वर्कप्लेस हैरेसमेंट हम लोग ने डिस्कस किए है ना, कि अगर काम पे जाते हो, काम पे आपके साथ कोई बदतमीजी करता है या आपको अनकंफर्टेबल करता है, आप काम नहीं करना कर पा रहे हो उसमें कंफर्टेबली, तो भी आप अपने डिपार्टमेंट में ही एक एप्लीकेशन दे डाल दो कि ऐसी कमेटी होनी चाहिए और हमें हेल्प चाहिए, हमें ये आदमी परेशान करता है, उसमें बहुत जल्दी एक्शन हो। और आंटी जहाँ नहीं है वहाँ बनवाए कमेटी, अगर आप कहीं काम कर रहे हो और वहाँ पे कमेटी नहीं है तो आप डिमांड कर सकते हो, भले ही 10 लोग हो काम करने वाले, छोटा सा स्टाफ हो लेकिन कमेटी होना जरूरी है। और बाल श्रम, छोटे बच्चे जो काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे चाय के दुकान पे आपने देखा ना, बर्तन मान लो दुकान वाला डांटता भी है, तो वो भी कानून, मतलब वो भी एक बच्चों का फंडामेंटल राइट है ना, RTE सुना होगा, राइट टू एजुकेशन, हाँ, कि वो मूल अधिकारों में आ गया है, पहले मूल अधिकार नहीं था, अब ये मूल अधिकार है कि बच्चा 14 साल तक बच्चे की शिक्षा पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चे की शिक्षा नहीं पूरी हो रही और बच्चा चाहता है कि हमें स्कूल जाने को मिले तो बच्चा कह सकता है ना, बच्चा आवाज़ उठा सकता है, बच्चा किसी को सपोर्ट लेके RTE के अगेंस्ट, RTE के तहत वो केस करके अपने अधिकार का पा सकता है। एक और है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सुना है? नो। RTI ये तो सबको पता होना चाहिए और सबको तुम लोग भी बताओ कि कभी कोई जानकारी अगर आपको नहीं दे रहा है, ठीक, आपने FIR, तुमने जैसे अपने घर की चोरी बताई, पुलिस ने उसे कोई काम नहीं किया, नहीं, जो आपने FIR दर्ज कराई है उसकी एक कॉपी लीजिए, अपना एप्लीकेशन लिखिए RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन को कि हमारा ऐसा ऐसा केस दर्ज था, उसमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, ठीक है, और अभी भी चोर पकड़े नहीं है, हमारा इतना इतना नुकसान हुआ है, हमें जानकारी दें कि इस केस में पुलिस ने क्या किया है, एक उसमें 10 का नोट या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा के आपको ये पुलिस लाइन में भी एडमिट जमा होता है या फिर DM ऑफिस में भी जमा होता है, बस लगा दो, एक महीने के अंदर उसमें आपको रिस्पांस मिलना चाहिए, थाने से रिस्पांस आनी चाहिए कि उस केस में उन्होंने क्या किया, कोई वकील लगाया होगा ना तुमने, तो वकील को ही बोलो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में कम से कम पुलिस वालों से पूछिए तो कि हमारे केस में क्या किया। ये दो अधिकार बहुत अच्छे आए हैं RTI और उसमें बहुत बहुत लोगों को फायदा भी होता है, लेकिन ये है कि आपको खुद भी दौड़ना पड़ता है, ये सबके पास बहुत काम है,
है ना, आप नहीं दौड़ रहे हो तो फिर आप पुलिस सोचता है अच्छे इनको मन नहीं अपने बारे में, छोड़ो इनका, पुलिस कहता है जब इनको कोई टेंशन है तो हमें क्या है ना, तो अपने एक चीज़ के लिए अपने आप ही दौड़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा देखो इंटरेस्ट ले लो तो हो सकता है पुलिस एक्शन ले लो। आंटी 5 महीने हो गए कुछ होगा। हाँ 5 महीने हो गए, ज़्यादा ही हो गए, चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखो 2 साल हो जाए तो भी पूछ सकते हो कि फला फला तारीख को हुआ था ऐसा। लेकिन आंटी उन्होंने केस हमारा दूसरा पलटवा दिया था तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, तो लिखित देना कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। आंटी शायद दिया था कि मतलब हम लोगों ने लिखा था, एग्जांपल बता रहे हैं लेकिन तुम पता कर सकते हो। ओके आंटी। फिर डाउरी, तुम सबकी शादी होगी सब आधे लोग 50% तो डाउरी लेके जाएंगे। मन नहीं कर आंटी, मैंने मम्मी को बोल दिया था कि हम शादी वहीं पे करेंगे जहाँ पे दहेज नहीं मांगेंगे, हम लेकर ही नहीं। और इस बात से अगर तुम क्या कहते हैं डिटरमिंड रहो तो बहुत अच्छी बात है। यस आंटी, हमने बोल दिया। एक नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ ऐसे ही सोचें कि हम पढ़े लिखे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम दहेज नहीं लेके जाएंगे, कोई मांगेगा तो बिल्कुल शादी नहीं करेंगे, माँ बाप जितना अपने आप देते हैं उतना ही लेके जाएंगे, तो फिर आप देखोगे फिर तब समाज में चेंज आएगा। आंटी मैंने अपने मम्मी पापा से बहुत पहले डिमांड की थी कि मुझे दहेज वहेज मत दो, मुझे पढ़ा लिखा था सबसे बड़ा भाई है, मुझे पढ़ना नहीं। तो कर दिया। वो तो खुद भी कर रहे हैं और टीचर हमें इतनी मदद करी, हमको नहीं चाहिए। तो दहेज लो क्यों, दहेज तो कौन देगी, खुद ही उस लायक बनो ना, ना? और ऐसे ही लड़का चूज करो अपने लिए, और फिर खुद सेल्फ मेड हो। आंटी खुद पढ़े लिखे हो गए तो लड़के भी तो हजारों मिल जाएंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, जॉब करेंगे पैसे खुद दहेज ले लेंगे। और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग लिस्ट बना के एक दिन बैठ जाइए।